यस। नाउ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिक इम्यूनोलॉजी के कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो कि मैंने डिस्कस करा है, और कुछ मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है जी। मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, स्केलेटल सिस्टम, इन सब चीजों से रिलेटेड बात होता है। देखो जो आपने जूलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, जूलॉजी, जिन्होंने एमएससी में जूलॉजी किया वो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। मैं डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा मत समझना कि मैं उन चीजों को वो चीजें जानबूझ के मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो एनिमल फिजियोलॉजी से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आते हैं। पूरा जूलॉजी में आधा से ज्यादा बायोकेमिस्ट्री भरा पड़ा रहता है, आधा से ज्यादा बायोकेमिस्ट्री भरा पड़ा रहता है। कुछ क्वेश्चन इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजी से दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं उठा जाता, पूछा जाता, ठीक है। सो वो क्वेश्चन कुछ की पॉइंट से पूछे जाते हैं, वो की पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे जगह जगह पे। इज इट क्लियर? वो भी बेसिक स्टर्म्स एंड बेसिक चीजें होती है, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो फंक्शन ऑफ द बोन्स एंड द एक्सोस्केलेटन इन द मसल मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। बोन्स एंड एक्सोस्केलेटन फैसिलिटेट द मूवमेंट बाय एक्टिंग एज द लीवर्स चेंजिंग साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। कंपोनेंट्स ऑफ द लीवर अगर बात करते हो, देखिएगा मसल लीवर सिस्टम क्या होता है कि ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास आप देख सकते हैं मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ये कैसा होता है, अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है दैट इज वॉट द फर्स्ट क्लास ऊपर की तरफ जा रहा है, सेकेंड क्लास हुआ और थर्ड क्लास कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। जैसे फर्स्ट क्लास के यहाँ पे मूवमेंट होता है सर के पास, एंकल के पास जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ वो होता है सेकेंड क्लास, और जो एल्बो में होता है आप देख सकते हो थर्ड क्लास का मूवमेंट होता है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मसल्स के मूवमेंट होते हैं कौन से क्लास का कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करता हूं मैं। कि हियर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लिवर एफर्ट फोर्स है, और उसके बाद आता है पाइवोट, और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स आता है, ठीक है। सो ये आपके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि इस तरीके से वर्क करते हैं। स्केलेटल मसल्स आर एंटागोनिस्टिक मसल्स। कैसे होते हैं ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट, एक व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट्स अदर रिलैक्स होगा। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स होगा। स्केलेटन मसल इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स वाले एग्जांपल देख लो। स्केलेटन मसल है ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। जब आप ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल पता है ना कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो ऋतिक रोशन को तो कई लोग देखते होंगे, ठीक है, कई लोग तो कई लड़कियां भी होंगी हॉ ऋतिक रोशन, तो वो हॉ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो बाइसेप्स वहां पे आर्म में आता है, ठीक है। सो एक्सटेंसर मसल रिलैक्सेस के बारे में बात करते हैं। सो जो मसल्स होता है ट्राइसेप्स पीछे के साइड में पाया जाता है आर्म के, और बाइसेप्स ऊपर के साइड में पाया जाता है, ठीक है। सो दोनों का फंक्शन अपोजिट चलता रहता है। यहाँ पे देखोगे कि एक अगर रिलैक्स करेगा, टीबिया फ्लेक्सेस, यहाँ पे फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सटेंसर मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, और अगर एक्सटेंसर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फ्लेक्सर मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। इज इट क्लियर? चलो बढ़िया। तो एक्सटेंसर मसल जो होता है एक्सटेंसर, इसमें से टिबिया, और अगर मैं बात करता हूं नॉर्मली, ठीक है, सो ये आपका इस तरीके का फॉर्म होता है। जो ट्राइसेप्स होता है, फ्लेक्सर मसल जो होता है वो कहां पाया जाता है, बाइसेप्स में या ट्राइसेप्स में, कौन बताएगा? बाइसेप्स में पाया जाता है, ट्राइसेप्स में पाया जाता है, एनीवन? ट्राइसेप्स में, बाइसेप्स में। चलो अब मैं कुछ बताऊं, चलो बता दिया, आंसर दे दिया, अब चलो देखते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स इन द इंसेक्ट्स, एंटागोनिस्टिक मसल्स इन द इंसेक्ट। अब देखना यहाँ पे क्या होता है कि ग्रास होपर्स में जो हिंड लेग्स होते हैं वो आपके जंपिंग में, या फीमर एंड टीबिया जो होते हैं वो आपके फ्लेक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आपके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर होते हैं ये पाया जाते हैं किसमें, ये पाया जाता है ग्रास होपर में, टिड्डे में पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एक्सटेंसर, ये जो डायग्राम देख रहे हो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर, ये क्या है, ये दोनों स्केल्टल मसल है, लेकिन दे फाउंड ये कहां पाए जाते हैं, ग्रॉस होपर में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये टिड्डे के हाथ, ये हाथ जैसा दिख रहा है, ये टिड्डा है, टिड्डे का एक लेग पड़ा हुआ है, ठीक है, कि जब वो जंप करता है तब कैसे मसल्स और वो सारी चीजें होती है। तो हम ह्यूमन में बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर रहे थे आप लोग। चलिए आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, ये जो पार्ट है इस तरीके से लर्न करेंगे। नाउ ह्यूमन एल्बोज एंड साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन का जो एल्बो होता है और साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे आइएगा, देखिएगा
अब एक्सटेंसर मसल जो हो रहा था जिसमें आप बात कर रहे थे वो भी ह्यूमन में उसी तरीके से होता है जैसे एक्सटेंड करने के लिए ट्राइसेप्स में एक्सटेंसर मसल पाया जाता है और बाइसेप्स में फ्लेक्सेस के लिए फ्लेक्सर मसल पाया जाता है। तो ट्राइसेप्स में जो लोग बता रहे थे एक्सटेंसर मसल बिल्कुल सही बता रहे थे और बाइसेप्स में जो था वो फ्लेक्सर मसल आपका पाया जाता है ना। उसके बीच में जो पाया जाता है ह्यूमरस बोन पाया जाता है, ह्यूमरस पाया जाता है, ज्वाइंट जो होता है वो कैप्सूल ज्वाइंट होता है और इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो कि आपको ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है ताकि लुब्रिकेशंस बना रहे और फ्रिक्शन मूवमेंट के टाइम पे हमें पेन ना हो। और रेडियस और अल्ना, यहाँ पे क्या होता है दो बोन्स आएंगे आपके, रेडियस है और ये अल्ना बोन है, दो बोन होते हैं रेडियस ऊपर और अल्ना होता है बीच में, कार्टिलेजेस यूज होते हैं, ये सारी चीजें होती है। कार्टिलेजेस कवर्स द बोन, प्रिवेंट द फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब्स द शॉक, ये कार्टिलेजेस का फंक्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं जो कि लुब्रिकेट करते हैं, फिल्स करते स्पेसेस को, प्रिवेंट द फ्रिक्शन एंड ज्वाइंट कैप्सूल प्रिवेंट द डिसलोकेशन ऑफ द ज्वाइंट्स। इज इट क्लियर? नाउ कुछ ज्वाइंट्स होते हैं जैसे कि ज्वाइंट मूवमेंट्स होते हैं नी ज्वाइंट, क्या होता है नी ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। नी ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं, बोथ हिंज ज्वाइंट एंड कहते हैं पायोटल ज्वाइंट जो होते हैं, हिंज ज्वाइंट एंड पायोटल ज्वाइंट। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज जो होता है एक जगह से जुड़ा होता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाट द हिंज ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट कैसा है, ये आपका हिंज ज्वाइंट में आता है, इसको आप पूरे के पूरे 180 डिग्री या 360 डिग्री में नहीं पूरा रोटेट कर सकते, ठीक है। जैसे आप ये हाथ क्या होता है, हाथ को सिर्फ ऊपर और नीचे ले जाता है, जैसे दैट इज व्हाट द हिंज ज्वाइंट, उनको क्या बोलते हैं, वो आपके क्या है नी ज्वाइंट जितने भी होते हैं चाहे पैर का हो चाहे हाथ का हो वो आपके हिंज ज्वाइंट में आते हैं, ठीक है। जितने भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, हाथ को अगर आप रोटेट करोगे तो पूरा शोल्डर से वो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में वो पूरा हाथ को पूरा रोटेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा एक सॉकेट होता है जिसमें कि इस तरीके से बॉल होता है वो रोटेट करता है, पूरा आपका रोटेट कर सकते, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन ये सारी चीजें। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें बेसिक्स है, बस एक आपका रिकॉल कल चल रहा होगा अगर आप लोगों ने जूलॉजी पढ़ा होगा फिजियोलॉजी तो, ठीक है। नाउ आगे देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है जी। स्ट्रक्चर जो होता है मसल फाइबर्स के बारे में कि स्केलेटन और स्ट्रेटेड मसल्स यूज टू मूव द बॉडी विच आर अटैच टू द बोन्स, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स आर कंपोज ऑफ द बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या होते हैं, इन फाइबर्स में देखने की कोशिश करिएगा, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर, सार्कोलेमा दैट इज द कवरिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द मसल फाइबर एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। सी हियर गाइज, मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है, इसके न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लाइट बैंड है यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, इस सार्कोलेमा जो कवरिंग होता है मसल फाइबर का उसको सार्कोलेमा बोलते हैं और इसके बीच में जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है सार्क टर्म यूज हो रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोलेमा ये सारा मसल्स के लिए यूज होता है और इसके बीच में एक पाया जाता है मायोफाइब्रिल, ये पाया जाता है मायोफाइब्रिल। अब इसी को देखेंगे वो यूनिट क्या होता है, इस यूनिट में मायोफाइब्रिल के बारे में देखने की कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा मसल फाइबर जो होता है कई सारे मायोफाइब्रिल्स के मिल के बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, इट इज लॉन्ग पैरेलल स्ट्रक्चर मेकिंग ऑफ द मसल फाइबर। लॉन्ग पैरेलल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, लॉन्ग पैरेलल स्ट्रक्चर है जो कि मसल फाइबर को लेके आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे लॉन्ग डार्क लाइट एंड डार्क पैटर्न कॉज्ड बाय द लेआउट ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट एंड द थिन एक्टिन फिलामेंट। वो इस तरीके से होते हैं कि वहां पे लाइट और डार्क बैंड आ जाता है, लाइट और डार्क बैंड आ जाता है उनके अलाइनमेंट की वजह से, कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट होता है, बीच में थिक होता है और यहां से फिर थिन बैंड होता है, तो बीच में लाइट डार्क इस तरीके से चलता रहता है, एक्टिन मायोसिन इस तरीके से। अब देखना स्ट्रक्चर में अभी बताऊंगा तो और क्लियर होगा। एक्टिन फिलामेंट अटैच टू द जेड लाइन एंड मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय द सिक्स एक्टिन फिलामेंट। सी ईयर क्या होता है कि सार्कोलेमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये थिन एलिमेंट एक्टिन फिलामेंट है, थिन एलिमेंट आप देख रहे होगे। उसके बाद क्या है, ये मायोसिन है,
जो कि आपका जो डार्क कलर दिख रहा है वो थिन है, और ये वाला कलर जो है वो थिक मायोसिन फिलामेंट है, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर। नाउ इस जगह पे, एक जगह पे वो क्या बनता है, एक जगह पे बनता है जेड डिस्क, यहाँ पे भी जेड डिस्क बन रहा है, एक जेड डिस्क यहाँ पे भी बन रहा है। इन जेड डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं सार्कोमियर। मियर का मतलब यूनिट होता है, वो मसल की यूनिट होता है, जो एक यूनिट जो मसल रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन का होता है इसी सार्कोमियर को बोलते हैं। सार्कोमियर जो होता है ये आपका, इसके बीच में एक जोन आता है जिसको बोलते हैं एच जोन या हाइब्रिड जोन, जहां पे ये फॉर्म होता है। ए बैंड और आई बैंड आपका इस तरीके से चल रहा है, इसी एच जोन के बीच में फॉर्म होता है एम लाइन, एम लाइन फॉर्म होता है जो कि इसी एच जोन के बीच में होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? ड्रॉइंग द सार्कोमियर के बारे में बात करते हैं, देखिए लाइट डार्क, लाइट डार्क के बारे में बात करते हैं। लाइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरीके से चलता रहता है। बीच में देखना एक तीन है, ये आपका एक जेड यूनिट, एक जेड है, ये एक जेड है, एक तीन, ये आपका पतला पतला वाला लाइन एक तीन है, बीच में मायोसिन आ गया, बीच में मायोसिन आ गया। तो ये जो जहां पे दोनों ओवरलैप होते हैं वो डार्क हो जाता है, जहां पे सिर्फ मायोसिन होता है लाइट होता है, जहां पे सिर्फ एक्टिन होता है लाइट होता है, और एक्टिन और मायोसिन जहां पे दोनों आते हैं वहां पे डार्क हो जाता है। तो लाइट और डार्क इस तरीके से चलता रहता है, एक्टिन और मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। द ड्रॉइंग इस तरीके से हम करते हैं। स्केलेटन मसल के बारे में बात करते हैं, तो थिक मायोसिन फिलामेंट पुल थिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। अगर वो सार्कोमियर का जो सेंटर होता है, ये सार्कोमियर है, अगर वो खींचता है एक सेंटर की तरफ, मतलब कि सार्कोमियर के इधर की तरफ, ये जो मायोसिन है अगर इसको इधर की तरफ खींचे तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसके बाद ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे को खींचता है मायोसिन एटीपी सेंटर की तरफ। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, मायोसिन हैव द हेड्स प्रोजेक्शंस दैट कंबाइन द एक्टिन फिलामेंट क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करता है, और इसके लिए एटीपी होता है जो कि यूज होता है एक्टिन को खींचने के लिए। मेनी क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिकॉज ऑफ द मल्टीपल हेड्स ऑफ द मायोसिन एंड बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। कई सारे क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, इट इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। स्केलेटन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है। व्हाट इज द प्रोसेस, ये देखिएगा कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन व्हेन मसल आर रिलैक्स्ड। ठीक है, ये मायोसिन हेड है, ये मायोसिन हेड है, ये एक्टिन है, और ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं बाइंडिंग साइट फॉर द क्रॉस ब्रिजेस, जो होते हैं वो ब्लॉक कर देता है ट्रोपोमायोसिन। लेकिन तब जब रिलैक्स कर रहा है, उसके बाद क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन सेंड द सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस द कैल्शियम आयन। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा तो उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम आयन बाइंड टू द ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, ये जो ट्रोपोनिन यूनिट्स है, इन यूनिट्स है, इन ट्रोपोनिन से बाइंड किया, एंड ट्रोपोनिन मूव्स ट्रोपोमायोसिन एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को मूव करा देता है और बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देता है। देखिएगा, मूव कराया तो ये बाइंडिंग साइट जो कि अभी हाइडेड थे वो क्या हुआ कि वो ट्रोपोमायोसिन को मूव करा के एक्सपोज कर दिया। जैसे एक्सपोज करेगा, मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिन एंड द प्रोसेस रिपीटेड। फिर वो खींचेगा, फिर चलेगा, फिर खींचेगा, फिर चलेगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस चीज को देखने की कोशिश करिएगा। क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करके रखा रहता है जहां पे एक्टिन बाइंड, जहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन पे। लेकिन उसके बाद जब ये मसल रिलैक्स होता है तब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल आया, सिग्नल के बाद कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा और हटा के एक्टिन का साइट एक्सपोज करेगा, जिससे मायोसिन बाइंड करके उसको खींचना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ एटीपी इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एटीपी कैसे किस तरीके से चल रहा है ये देखिए, कोशिश करिएगा। टू रिपीट द अबव प्रोसेस एटीपी इज यूज्ड। अबव प्रोसेस को अगर रिपीट करना है तो एटीपी यूज होता है। यहां पे एटीपी बाइंड टू द मायोसिन हेड्स
कहाँ बाइंड करता है? मायोसिन हेड्स एंड डीअटैचेस फ्रॉम इट्स एक्टिन बाइंडिंग साइट। एटीपी जो होता है मायोसिन हेड से बाइंड करके एक्टिन बाइंडिंग साइट से डीअटैच कर देता है, दैट इज क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाता है, क्रॉस ब्रिज जो होता है वो टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू द एडीपी प्लस पी। एटीपी जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है एडीपी एंड पी में। देखिएगा यहाँ पे क्या है, मायोसिन हेड्स हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड बिकम्स रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोलाइज करेगा, एडीपी के फॉर्म में जाएगा। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू द एडीपी प्लस पी एंड अलाउइंग मायोसिन हेड टू चेंज द एंगल, चेंज करेगा एंगल को। दूसरा क्या है, मायोसिन हेड्स, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिजेस। जो मायोसिन हेड होंगे अब एक्टिन से बाइंड कर रहे हैं क्रॉस ब्रिजेस से, जब ये एडीपी से बाइंडेड था। फिर यहाँ पे क्या आता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस रोटेट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, रोटेट करते हैं सार्कोमियर की तरफ और पावर स्ट्रोक की वजह से ये मूव कराता है। और जब मूव कराएगा फिर उसके बाद एज मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डी अटैच फ्रॉम द एक्टिन, अटैच देखिएगा यहाँ पे डी अटैच हो गया, फिर से वो एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद फिर से एडीपी से जुड़ेगा, फिर अटैच करेगा, फिर उसको मूव कराएगा पावर स्ट्रोक से, फिर डी अटैच होगा, फिर उसको क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद फिर से एडीपी में जाएगा, फिर अटैच करेगा, फिर मूव कराएगा, ये प्रोसेस चलता रहता है एटीपी का। इज इट क्लियर? एटीपी बाइंड है तो वो डी अटैच कर रहा है और एडीपी बाइंड है तो बाइंड कर रहा है। अल्टीमेटली क्या कहूंगा इस पूरे के पूरे पार्ट में कि जब एटीपी बाइंड है मायोसिन से, एटीपी बाइंड है मायोसिन से तो क्या कर रहा है ये मायोसिन को अटैच कर दे रहा है। मायोसिन को क्या कर रहा है जी, डी अटैच कर दे रहा है, डी अटैच कर दे रहा है कहां से, एक्टिन से। ठीक है, और अगर एडीपी बाइंड है, अगर एडीपी बाइंड है मायोसिन से तो ये क्या कर रहा है, ये अटैच कर रहा है। मायोसिन एक्टिन जो होता है, मायोसिन और प्लस एक्टिन अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, यही प्रोसेस है बस और कुछ है नहीं। Hey guys, my name is Vilin Singh. So, Unacademy पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विथ मी Vilin Singh ऑन Unacademy, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विलेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरियस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सर्वेज बायलैंग्वेज आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यंग गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।